औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ऑयल फील्ड में है जी, ये देखें कंटेनर के अंदर जो है रिहाइश है ये कैसी होती है देखें। बस कंटेनर तो आपको पहले एक वीडियो में दिखाए थे, तो अभी फिर आगे कंटेनर में दिखाते हैं। ये एक पूरा कैंप होता है ऑयल फील्ड में, और उसमें ये मुख्तलिफ जो लोग होते हैं उनका अपना है, जो सीनियर है उनके लिए टू बेडरूम, और जो ऑफिसर होते हैं वन बेडरूम भी होता है उनका, और बाकी बंक बेड भी होते हैं जो जूनियर स्टाफ है उसके लिए। तो इसमें सारी फैसिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी सारा सिस्टम होता है इसमें सारा माशाल्लाह, और एसी का। ये देखिए ये स्प्लिट एसी लगा हुआ है ऊपर, और ये कबर्ड भी है, और ये साथ बाथरूम बना हुआ है, और ये देखिए वाटर डिस्पेंसर भी लगा हुआ साथ। ये देखिए ये दिखाते हैं आपको वाशरूम से अंदर से, ये देखिए एक कंटेनर के अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए ये बेड है, टू बेडरूम है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही इसमें है, दूसरे का बेड नहीं लगा हुआ। और रूम बॉय आता है डेली के हिसाब से, और पुराने कपड़े ले जाता है नए ले आता है, और बेड शीट वगैरह सब बाहर बिस्तरा भी बनाता है सबका जी माशाल्लाह। तो देखते हैं अगर ये कबर्ड है, और ये देखें कैंप एरिया में, ये देखें सारी जिस तरह जब ये कैंप कंस्ट्रक्ट होता है कैंप लगाते हैं तो ये क्या आता है नीचे देखें, सारी उसकी बेसमेंट बनाई जा रही है, और नीचे सारा सीवरेज का निज़ाम और बाकी जो सारी इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम वो सारा अंडरग्राउंड होता है। और उसके बाद फिर सात कंटेनर के बाद निशान बना होता है उसके ऊपर कर देते हैं, और ये देखें जी कैंप एरिया माशाल्लाह, और स्पेशल कैंप में है जी इसके लिए कैंप ब्लॉग इसको कह सकते हैं, रिग में जहाँ पे ऑयल वगैरह सर्चिंग में होती है जी, फिर ड्रिलिंग करते हैं ऑयल निकलता है, और फिर उससे जनाब रिफाइनरी में जाता है, फिर साफ़ होकर फिर मुख्तलिफ उसकी कैटेगरी होती हैं, कोई जहाज़ के लिए साफ होता है, फिर बाकी गाड़ियों के लिए बाकी चीज़ों के लिए, इसी से फिर डीजल भी निकलता है, और बाकी जो चीज़ें वो भी इसमें से ऑयल से निकलती हैं। ये तो आपको फिलहाल कैंप दिखा रहे हैं, इसमें पाइप पड़े होते हैं, ये जो है इसको स्टोरेज कह सकते हैं जी, बहुत बड़ा स्टोरेज है, यहाँ से फिर आगे कहीं किसी फील्ड में जाना हो तो फिर वहाँ से जाते हैं। ये सारा यहाँ पर डंप लगा हुआ है कंटेनर्स का, और यहाँ पर कंटेनर जो है ना रिपेयर भी होते हैं। ये देखें वर्कर लगे हुए हैं और यूनिफॉर्म के साथ होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर भी साथ साथ होता है जी, सेफ्टी ऑफिसर के साथ ये सारा मूव होता है, जो काम कर रहे होते हैं पहले सेफ्टी ऑफिसर चेक करता है कि जी काम सही हो रहा है सेफ्टी पर्पज़ के लिहाज से, कोई आग लगाने ना लग जाए या कोई और मसला ना हो जाए। और जो डॉक्टर है वो भी स्टैंड टू होता है अपने क्लिनिक में। ये देखें और साथ में पाइप कैसे ग्रीनरी लगी हुई है, देखें बहुत हैवी इक्विपमेंट होते हैं यहाँ पे। तो आज हमने कहा जी स्पेशल आपको दिखाते हैं जी कि ऑयल फील्ड में जो एक होता है जंगल में मंगल जिसको कहते हैं कि वो है जी, ये देखें ये एक जो है वो पिट बनी हुई है, ये देखें उसकी फेंस लगी हुई है सारी, ये जंगल में देखें पूरी पूरा जितना भी कैंप होता है सबके साइड पे पहले फेंस लगाई जाती है, उसको कैंप तैयार किया जाता है, और फिर देखें इसमें आप ये देखें ये जो मैं अभी अब दिखाता हूँ आगे, ये देखें बाहर का नज़ारा जी कैंप से बाहर का। तो इसको पिट कहते हैं, जितना भी कचरा आपका जाता है जो नीचे से ज़मीन से निकलता है और इसमें जाता है केमिकल वगैरह भी यूज़ हम करते हैं वो सारे इसमें निकलते रहते हैं, तो ये सारा वहाँ से एक पाइप के जरिए यहाँ पे आता है। वो देखें सामने रिग लगा हुआ है निकल जा रहा है, ये देखें ये रिग कंटेनर होता है। तो ये है कैंप, कैंप के ये सारे कंटेनर लगे हुए हैं, आपको कंटेनर अंदर से दिखाया था, ये कंटेनर पूरा जितना है जितना पूरा एक गांव या शहर जिसको कहते हैं सिटी आबाद होता है, इसी तरह ये कैंप भी आबाद होता है माशाल्लाह। तो ये न्यू है जी आप सबको लोगों के लिए, लोगों को नहीं पता जो तो काम कर रहे हैं उनको पता ही है, सारा ये कंटेनर का पूरा एक सिटी बना हुआ है, और इसी में अंदर वो रिक्रेशन रूम होता है, डाइनिंग होता है, और किचन होता है अंदर इसमें, किचन में फिर स्टोरेज भी होता है, सारी चीज़ें फीड में आती हैं, और डेली गाड़ियां आती हैं जी खाना हर चीज़ लेके आती हैं, यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है माशाल्लाह जी, और खाना वाला तो बहुत स्टैंडर्ड का होता है। मैंने 5 साल गुजारे हैं जी ऑयल फील्ड में एज ए फील्ड पैरामेडिक। तो ये देखें ये भी एक कैंप का
अब देख लें ये भी क्या हो रहा है जी। ये मुख्तलिफ पोर्शन है इसके, ये भी बने हुए हैं जहाँ पर सारे पाइप रखे हुए हैं लाइनों में। कौन सा साइज का पाइप है जी, नीचे जो ज़मीन में जब लगाते हैं तो नीचे से लगाते जाते हैं। फिर मुख्तलिफ दूसरी कंपनियाँ भी आती हैं जी, उसको अंदर सीमेंट करती हैं उसको, जब ये वेल माशाल्लाह जो इसको कहते हैं जी कि जब इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो फिर ये ईजी होता है। ये देखिए ये ऊपर लगे हुए सारे फैंस भी साथ साथ दिखा रहे हैं जी आपको। देख रहे माशाल्लाह, और ये बहुत प्यारा इलाका जी, ये राजनपुर में तकरीबन राजनपुर सिटी से दूर इसको कहते हैं जी, ये पहाड़ी के ऊपर है तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है माशाल्लाह जी ये। और इसमें तकरीबन एक साल से ऊपर भी लग सकता है इसमें, क्योंकि इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत हार्ड है। वैसे सिंध में जो होता है, सिंध में तो बड़ा इजी हो जाती है ड्रिलिंग, वहाँ पे भी मैं 5 साल गुजार के आया हूँ सिंध में। ये देखें दूर से देखें ना, ये बिल्कुल पूरा एक सिटी आबाद है माशाल्लाह, और आप यकीन इसको एंजॉय करेंगे। और ये देखें जी, हमने ये वक्त अपने क्या नाम है जश्न आज़ादी मनाई है, और देखें सिक्योरिटी वाले भी सारे खड़े हैं इसमें। तो अभी आप देखेंगे कैसे वो मार्च पास्ट हुई है, फिर फ्लैग लगाया गया है। ये देखें कैंप के अंदर भी इस तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ बारबेक्यू भी होता है, और बाकी जो फंक्शन है जश्न आज़ादी का हो गया, ईद का हो गया, जो छोटी ईद है बड़ी ईद है उसके लिए भी होता है जी। स्पेशल यहाँ पर केक बनते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जश्न आज़ादी की सिलसिले में ये प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा ये साथ ही आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखें माशाल्लाह जी, ये झंडा जी देखें, सिक्योरिटी वाले ये आ रहे हैं, जो फील्ड की सिक्योरिटी होती है उसमें ये देखें मार्च पास कर रहे हैं, और अभी ये फ्लैग भी उस पर लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह जी, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे जी इसको। ये जस्टी व्लॉग स्पेशल है जी आज रिग साइड, दुनिया में देखें लोग शहरों में तो जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन देखें ये फील्ड में जंगल में होता है, जंगल में भी मंगल है। ये देखें यहाँ भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है जी, थोड़ा सा टाइम निकाल के, हालांकि फील्ड में बड़ी वो बिजी लाइफ होती है, शिफ्टी में काम होता है जी, 12 घंटे डे में और 12 घंटे नाइट में शिफ्ट होती हैं, इसमें काम भी सारे करते हैं। अभी जो फ्री हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम चल रहा है, ड्रिलिंग हो रही है सारी उधर सार माशाल्लाह। ये देखिए सारा इसमें इंतजाम होता है जी, टीवी वगैरह लाइव इसमें आते हैं, और डिश एंटीना वगैरह लगा होता है, बड़ी डिशें लगी होती हैं उनके, ये कैंप के साथ कैसे कहते हैं जी कि मेस वगैरह है और सारे चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।